Assalamu alaikum student, welcome to computer class. Today our topic is Microsoft Word. यह आपके बुक में चैप्टर 5 है और हम इसको इसकी पहले भी वीडियो देख चुके हैं और इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं. एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को गूगल क्लासरूम में मिल गई होगी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को बनाता है, ठीक है, क्रिएट करता है, उनको एडिट, सेव, प्रिंट करता है और जो है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन क्या हैं? वर्ड 95, वर्ड 97, वर्ड 2000, वर्ड 2003, वर्ड 2010, ये सब इसके वर्जन हैं. और अब आजकल कौन सा चल रहा है? लेटेस्ट कौन सा है? 2010. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्ट एम एस वर्ड को किस तरह से स्टार्ट करते हैं. एम एस वर्ड को हमारा जो डेस्कटॉप होता है उसके मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पर एक स्टार्ट का बटन होता है, हम उसको क्लिक करते हैं, फिर प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं और देन हम एम एस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं. यह भी हमारा ये सर्च बार होता है, इसके अंदर हम लिखते हैं और हमारा एम एस वर्ड प्रोग्राम जो होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है, वो ओपन हो जाता है. डी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ टाइटल बार. टाइटल बार स्टूडेंट मैंने बताया था, मोस्ट टॉप पे रेक्टेंगल बार पे टाइटल बार होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप कॉपी का टाइटल पेज बनाते हैं. ये टाइटल बार इज़ अ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो एंड हैज़ द फर्स्ट बार इन शो. इट्स शो द नेम ऑफ द फाइल एंड हैज़ कंट्रोल बटन. ठीक, कंट्रोल बटन कौन से होते हैं बेटा? ये साइड में 3 बटन जो होते हैं वो कंट्रोल बटन कहलाते हैं. मेन्यू ऑफ एम एस वर्ड. मेन्यू ऑफ एम एस वर्ड क्या होता है? ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टैब, विंडो हेल्प्स, ये सारी इसके अंदर टैब्स होती हैं. फाइल मेन्यू का काम क्या होता है? इज़ यूज टू एक्सेस ऑल दिस ऑप्शंस दैट हैज़ लिंक टू फाइल, लाइक क्रिएटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. फाइल मेन्यू जस्ट लाइक अ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, जिस तरह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन काम करते सेक्शन काम करता है, बिल्कुल ये इसी तरह से काम करता है. व्यू मेन्यू, व्यू का मतलब कि सामने आने वाली चीज़, तो ये व्यू करता है. ये इसका आंसर है. पॉइंटर एंड कर्सर में क्या फ़र्क है? अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन इन कॉल्ड अ कर्सर एंड इट्स यूज द वर्क एरिया वाइल टाइपिंग. टेक्स्ट पॉइंटर इज एसोसिएटेड विथ माउस. जो हमारा पॉइंट माउस हम लेते हैं और उसको मूव करते हैं और जहाँ जहाँ वो एरो का निशान आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉइंटर कहते हैं. ठीक है, क्लोज द वर्ड डॉक्यूमेंट्स. वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जा सकता है एम एस वर्ड को क्लोज किए बगैर? यस, इट इज़ पॉसिबल टू क्लोज द वर्ड डॉक्यूमेंट्स विंडो विदाउट क्लोजिंग एम एस वर्ड बाई यूजिंग क्लोज ऑप्शन इन फाइल मेन्यू. इट आस्क द यूज़र टू सेव द वर्ड बिफोर क्लोजिंग वर्ड. स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारे आपको करने हैं. ठीक है, और अपनी कॉपी के अंदर नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम कीजिएगा और आपका वर्ड स्पिनिंग आप कर चुके होंगे. ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम कीजिएगा. उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट.